नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आज जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। इसमें कोरोना वायरस से बचाव की दवाओं पर जीएसटी से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गई है। हालांकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है। अफगान समस्याओं को लेकर अभी तक चार देशों के राजनयिक भारत की यात्रा पिछले 6 दिनों में कर चुके हैं। इस दौरान पहले विदेशी राजनयिक जिन्होंने भारत की यात्रा की उनमें लिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ थे, जिन्होंने भारत आकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके अगले दिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स भारत आए थे। राशन कार्ड गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे राशन कार्ड में कुछ कमियां होती हैं, या हमें राशन कार्ड अपडेट कराना होता है, या कई बार राशन कार्ड खो जाने पर हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी होती है या नया राशन कार्ड चाहिए होता है। ऐसे में अब राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी अब आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। पूर्वी लद्दाख में बीते साल हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ कूटनीतिक सैन्य स्तर की बातचीत से पिघलनी शुरू हो गई है कि ड्रैगन ने फिर फुफकारना शुरू कर दिया है। लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वो न सिर्फ आधुनिक हाईवे का निर्माण कर रहा है, बल्कि उसने भारत को ध्यान में रखते हुए हाल ही में शांगी में अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-9 के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है। खाद्य तेलों पर मानक आयात शुल्क में कटौती के बाद थोक कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इस बात के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि 14 सितंबर को समाप्त सप्ताह में खाद्य तेलों की थोक कीमत एक सप्ताह पहले के मुकाबले 2.50% तक नीचे आ गई है। राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। राजस्थान विधानसभा में इसको लेकर अजीबोगरीब विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पारित हुआ है। इसमें बाल विवाह को भी रजिस्टर्ड करने का प्रावधान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस विधेयक को सदन में रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। देश के युवाओं के कौशल विकास में पढ़ाई भी कमाई भी नया मंत्र होगा। इसके लिए इसी सत्र से देश के 5000 शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ साथ पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को भी कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूरदराज के गांव और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी अब 2400 घंटे दवाइयां उपलब्ध होने वाली हैं। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा एटीएम तक पहुंचना होगा। देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी एटीएम मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी नहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन गई है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला की कवर स्टोरी पर ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प करार दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अब आपको 60,000 रुपए महीने तक की कमाई करने का मौका दिया है। दरअसल आप SBI के ATM फ्रेंचाइजी लेकर बेहतर कमाई कर सकते हैं। बैंक अपनी तरफ से कभी भी इस्तेमाल इसे नहीं करता है, वो ATM के लिए फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करता है। फिर इन कंपनियों का ATM लगाने का काम दिया जाता है। चीन की दादागिरी के चलते एक बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ युद्ध हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने इस बाबत पूरे देश को आगाह किया है और कहा है कि जिस तरह का रुख चीन अपना रहा है उससे युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीने में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले 3 महीने में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 18 सितंबर को डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के तौर पर बुखार आने को लेकर चर्चा हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर कल इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया था, जिसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। पटियाला के महिला धावक हरमिलन बैंस ने वीरवार को बारंगला में चल रही 60वीं राष्ट्रीय ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 4:05 में दौड़ पूरी की है। इस रिकॉर्ड के साथ 21 साल की हरमिलन ने सुनीता रानी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में हो सकता था यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाती। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय सिखों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के जिस रक्षा सौदे से फ्रांस गुस्से में है उसे लेकर भारत को पहले से जानकारी दे दी गई थी। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया है। द हिंदू की खबर के अनुसार भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओफिरल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस नए समझौते की जानकारी औपचारिक घोषणा से पहले ही दे दी थी। बिहार लोजपा में चिराग पासवान खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस भी। बतौर लोजपा सांसद पशुपति पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये अब जल्द ही साफ होने की उम्मीद बन गई है, क्योंकि चिराग ने आगामी उपचुनाव के लिए दांव ठोक दिया है। देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में नया सफारी गोल्ड एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 21.89 लाख रुपए रखी गई है। कार निर्माता ने यह दावा किया है कि गोल्ड एडिशन हाई क्लास और हाईटेक फीचर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भारत को घेरने की कोशिश में लगे चीन को इन दिनों एक खास तरह की परेशानी खाई जा रही है। वो अपने पड़ोसी देश भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार से खासा चिंतित है। खुद चीन को ना तो व्यापार बढ़ रहा है और ना ही उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कोई बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि चीन यह नहीं देख सकता कि किसी दूसरे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टूर पैकेज की सुविधा का उपयोग कर विभिन्न पर्यटन स्थलों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। निगम की तरफ से बिहार के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैर के लिए बेहद किफायती एक दिवसीय टूर पैकेज बनाया गया है। इसके जरिए आप राजगीर, नालंदा, पावापुरी जैसे पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां की सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निषादों के आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। यही कारण है कि मुकेश सहनी ने कहा कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को हराने के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में पहली बार सबसे बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 41 न्यायाधीशों की भूमिका में बदलाव की सिफारिश कर दी है। बिहार की रहने वाली रूपम झा मुंबई में रहती हैं, लेकिन वो मुंबई छोड़ सहरसा आ गई हैं। उन्होंने सिर्फ मुंबई में ही नहीं छोड़ा बल्कि रूपम झा ने अपनी 20 लाख की पैकेज वाली नौकरी भी छोड़ दी है। वो अब बिहार में हो रहे मुखिया चुनाव को लड़ने वाली हैं। रूपम झा बिहार के सहरसा जिले के केहरा प्रखंड के चैनपुर गाँव की रहने वाली है। वो उत्तरी पंचायत से चुनाव लड़ेंगी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत में मॉनसून की वापसी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि 23 से 29 सितंबर के सप्ताह की समाप्ति से पहले उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कई अन्य राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारत द्वारा इस साल की शुरुआत में शांति रक्षकों के लिए दान दिए गए टीकों का भंडार अब खत्म हो गया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी मिशनों में उनके शांति रक्षकों के लिए एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीकों की 2 लाख खुराक भेंट की थी जो खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे ड्रोन घटनाओं पर सख्त लगाम लगने वाला है। इन हमलों का करारा जवाब देने के लिए जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने अब कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में जम्मू के दंसल गांव में भर्ती प्रशिक्षण शिविर में अपने 460 नए जवानों की एक परेड आयोजित की। इन जवानों को एक स्नेक इन्फेंट्री में शामिल किया गया है। करीब 148 दिन बाद शनिवार से बाबा धाम एक बार फिर से खुल गया है और अब आम श्रद्धालु भी बाबा का दर्शन कर सकेंगे। जिले के डीसी मंजूनाथ मजंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए श्रद्धालु अपनी बुकिंग करा सकेंगे और कोविड के नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम का दर्शन कर पाएंगे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 35,662 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमण में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,34,17,390 पर पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 281 और मरीजों की संक्रमण के कारण जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 4,44,529 पर पहुंच गई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिनेश कुमार, आर्यन, बी के सिंह, नरुद्दीन खान, गुड्डू कुमार, स्नेह किचन, नुन्नू कुमार, कुणाल कुमार, मुन्ना कुमार, मनजीत कुमार, राजेश सोंथियाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।